गाइस, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल के पार्ट टू के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल के पार्ट वन में मैंने आपको कंजेनाइटल डिसऑर्डर और ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ऑफ ईयर कैनाल के बारे में बताया था। पार्ट टू में मैं आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कैनाल के बारे में बताऊंगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कैनाल क्या रहता है, उसके साथ में इसको कौन कौन से दो ग्रुप रहते हैं जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कैनाल कॉज करते हैं। उसमें आता है एक इन्फेक्टिव ग्रुप होता है, एक रिएक्टिव ग्रुप रहता है, ठीक है। फिर जो इन्फेक्टिव ग्रुप रहता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें बैक्टीरिया आता है, फंगल आता है, वायरल आता है। तो जो बैक्टीरिया रहता है उससे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो बैक्टीरिया से लोकलाइज ओटाइटिस एक्स करना, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्स करना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्स करना हमको देखने को मिलता है। साथ ही में जब हम फंगल डिसऑर्डर की बात करते हैं कि फंगल कौन सा हमारी एसी में कौन सा डिसऑर्डर करता है, तो ओटोमाइकोसिस देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वायरल या वायरस जो रहता है वो कौन सा करता है, तो वो हर्पिस जोस्टर ओटिकस करता है। साथ ही में ओटाइटिस एक्सटर्ना हिमोरेजिका हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिएक्टिव ग्रुप, रिएक्टिव ग्रुप में कौन कौन आता है, क्या क्या कॉज करता है। रिएक्टिव ग्रुप में आता है, रिएक्टिव ग्रुप में जो डिसऑर्डर आता है वो होता है एक्जेमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, सीवोरोइक ओटाइटिस एक्सटर्ना और न्यूरोडर्मेटाइटिस, ठीक है। तो आइए मैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर केनाल क्या रहता है। तो जब हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर केनाल की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो हमारी ईयर केनाल रहती है या जो हमारी ईएसी रहती है, एक्सटर्नल ऑर्टरी केनाल जो रहती है, उसमें किसी भी इन्फेक्शन की वजह से उसका स्वेलिंग, उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसका रेड हो जाना तथा उसमें पेन होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कैनाल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख के रखा है ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो सबके दिमाग में आ रहा होगा ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब क्या रहता है, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब ही यही होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कैनाल, जिसमें ओटाइटिस वर्ड का मतलब रहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, जिसमें फिर एक्सटर्ना वर्ड का मतलब ये रहता है कि एक्सटर्नल ईयर, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर ऑल्सो कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं कि ओटाइटिस एक्सटर्ना जो रहता है वो कौन कौन से ग्रुप कॉज करते हैं, तो फिर यहाँ देखने को मिलता है एक इन्फेक्टिव ग्रुप रहता है, ठीक है। इन्फेक्टिव ग्रुप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से डिसऑर्डर हमारे ईएसी में कॉज करेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो रहता है वो एक सबसे पहले करता है लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं फ्यूरेंकल, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है फ्यूरेंकल। जब हम बात करते हैं कि लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या रहता है, तो लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है, जो हमारी ईएसी रहती है, हमारी ईएसी जो है ना एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, इसका जो आउटर पोर्शन, आउटर वन थर्ड पोर्शन जो कार्टिलेजनस पोर्शन रहता है जिसमें हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, उस जगह पे क्या रहता है इन्फ्लेमेशन होता है। जो स्ट्रेप्टोफाइलस स्ट्रेप्टोफाइलस कोकस जो बैक्टीरिया रहता है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या रहता है, जैसे कि उसके नाम में ये डिफ्यूज मतलब कि फैलना, जब ओटाइटिस एक्सटर्ना जो रहता है वो हमारे कार्टिलेजनस पोर्शन से फैल के हमारे पिन्ना पे या हमारे जो इसको जो ऑरिकल है इसमें आ जाता है, यहां तक कि वो जो हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो एपिडर्मल लेयर रहती है उसको, उसमें भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, हम उसी को बोलते हैं डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या रहता है, तो जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना रहता है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में हमने आपको देखने को मिलता है, इसका दूसरा नाम जो रहता है वो नेक्रोटाइकिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना में इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे ईएसी से लेके जो हमारा स्कल का बेस रहता वहां तक का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारी मैक्सिमम क्रेनियल नर्व रहती है वो पैरालाइज हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि फंगल की वजह से क्या होता है, फंगल की वजह से होता है ओटोमाइकोसिस। तो फिर हम बात करते हैं ओटोमाइकोसिस क्या होता है, ये फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे अलग है। तो हम जब ओटोमाइकोसिस की बात करते हैं तो ओटोमाइकोसिस में ये रहता है कि हमारे ईयर केनाल में होता है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन ही है, पर जो इन्फ्लेमेशन होता है इसमें एक अलग सी चीज ये होती है कि उसमें जो हमारा ईयर रहता है उसमें इचिंग आती है, ठीक है। इस इचिंग के साथ में इसमें क्या रहता है, वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, हमको वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, साथ ही में हमारा ईयर ब्लॉक भी हो जाता है, ईयर ब्लॉक भी देखने को मिलता है किसमें, ओटोमाइकोसिस में। तो फिर हम इसमें एक और चीज देखते हैं कि इसमें जो हमारी ईएसी रहती है ना, ईएसी हमको ब्लैक और ब्राउन कलर में दिखने लगती है, उसका कारण ये रहता है कि क्योंकि जो फंगल रहते हैं वो मेनली ब्लैक और ब्राउन कलर में ही दिखाई देते हैं। इसके बाद में जैसे ऑटोमाइकोसिस जो रहता है,
ऑटोमाइकोसिस में जो एस्परजिलस नाइगर नाम का जो फंगाई रहता है, फंगल ग्रुप रहता है, वो ऑटोमाइकोसिस कॉज करता है, ठीक है। और ये हमको उन एरियाओं में ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे हॉट हो और ह्यूमिडिटी एरिया हो, जैसे कॉर्टिकल एरिया और सब कॉर्टिकल रीजन जो रहता है, जो कंट्रियां रहती है उनके, वहां के जो पीपल्स है, वहां के जो लोग है, उन लोगों में हमको ज्यादातर देखने को मिलता है ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वायरल मतलब कि जो वायरस रहता है, वायरस की वजह से हमारे ईएससी पे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो उसमें आता है हर्पिस जोस्टर ओर्टिकस। तो हर्पिस जोस्टर ओर्टिकस क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहती है उसमें क्या रहता है कि वेसिकल्स बनने लगते हैं। इसमें क्या रहता है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये वेसिकल्स जो रहता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर बनती है। साथ ही में जो हमारा मीएटस रहता है या जो हमारे एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की जो स्किन रहता है उसमें भी हमको वेसिकल्स देखने को मिलती है। और जो कोंका रहता है हमारे पिन्ना का जो कोंका वाला पोर्शन रहता है इसमें भी हमको वेसिकल्स देखने को मिलती है। इसके साथ ही में जो पोस्ट ओरिकल ग्रुप्स रहते हैं उनमें भी हमको वेसिकल देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ओर्टिकस एक्सटर्ना हिमोरेजिका क्या होता है। तो जब हम ओर्टिकस एक्सटर्ना हिमोरेजिका की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, इसमें हिमोरेजिक बुली का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो हिमोरेजिक बुली जो रहती है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही में जो डीप मिएटस रहता है मतलब कि जो हमारा ईएससी रहता है उसका जो अंदरूनी पोर्शन रहता है उसमें भी हमको ये बुली का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो मतलब सीवियर कंडीशन जो रहती है ना उसमें क्या रहता है कि जो बुली रहती है ना बुली रेप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हमको इसमें ब्लड स्ट्रेन का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। साथ ही में हमको बहुत ज्यादा पेन भी इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिएक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो रिएक्टिव ग्रुप में सबसे पहले हम देखेंगे एक्जेमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना। एक्जेमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या रहता है, तो एक्जेमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना एक प्रकार का एलर्जी का रिजल्ट रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी होता है किसकी, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म रहती है उनकी, और साथ ही में जो ट्रॉपिकल ईयर ड्रॉप रहते हैं जैसे कि क्लोरोमाइसिन नियोमाइसिन, इनकी हाइपर सेंसिटिविटी का रिजल्ट रहता है कौन, एक्जेमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो रहता है ना इसमें वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही में इसमें इसमें ये ऊजिंग देखने को मिलता है और क्रस्टिंग ऑफ ईयर कैनाल देखने को हमको मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सीवोरोइक ओटाइटिस एक्सटर्ना। सीवोरोइक ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या रहता है, जब हम सीवोरोइक ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात करते हैं तो ये एसोसिएटेड रहता है किसके साथ में, सीवोरोइक डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प, ठीक है। उसके साथ में हम क्या देखते हैं, इसमें ग्रॉसी येलो कलर की स्कैल्प का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे ईएससी के साथ में जो हमारा लोब्यूल रहता है ना और लोब्यूल को कवर करके रखती है। साथ ही में हम जो पोस्ट ऑरिकुलर सर्कल जो रहता है ना उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है। और जो सीवोरोइक ओटाइटिस एक्सटर्ना रहता है इसमें पेशेंट की मेन कंप्लेंट रहती है कि पेशेंट को इचिंग आता रहता है, मतलब पेशेंट बोलता है मुझे बहुत इचिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं न्यूरोडर्मेटाइटिस की, न्यूरोडर्मेटाइटिस क्या रहता है, तो न्यूरोडर्मेटाइटिस जो रहता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है कंपल्सिव स्क्रैचिंग का। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें पेशेंट बोलता है कि उसको इचिंग आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।